जो कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती हैं उसके साथ अगर एडजशन देखा जाए तो थ्री थेरीज़ मजीद हैं जो कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती हैं उसमें सिस्टम थेरीज़ है कम्बिनेशन थेरीज है और बिहेवियल थेरीज़ हैं अगर इनको कंक्लूड किया जाए तो ये टोटल सेवन थेरीज हैं इन सेवन थेरीज़ का प्राइमरी मकसद क्या है ये थेरीज़ का ताल्लक ही एक्सीडेंटाइजेशन के साथ है

एनसेस्ट्री एंड सोशल इन्वामेंट एनसेस्ट्री एंड सोशल इन्वामेंट का मकसद यह है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं अगर उसका वर्किंग एन्वायरमेंट हेल्दी है तो एक्सीडेंट के चांसिस कम है अगर वर्किंग एन्वायरमेंट हेल्दी नहीं तो एक्सीडेंट के चांसिस ज़्यादा हैं फॉल्ट ऑफ पर्सन ये कामन प्रैक्टिस देखी गई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे जो नेग्लिजेंस है वो किसी शख्स की सामने आती है या तो एम्प्लाई की खुद नेग्लिजेंस होती है या वहाँ पे जो आपके मुख्तलफ किस्म के वो फोरमैन हैं या वर्कर हैं या सुपरवाइजर स्टाफ है उनकी नेग्लिजेंस सामने आती है यही रीजन्स है कि इन चीज़ों को देखा गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ये भी देखा गया है कि इनको कंट्रोल कैसे करना है और प्राइमरली ऑब्जेक्टिव वही है कि किस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट से बच सकते हैं हेनरिच डोमिनोथेरीज ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंटाइजेशन का जो थर्ड पॉइंट्स है वो है जी अनसेफ एक्ट मकैनिकल फिजिकल हैजर्ड्स अनसेफ एक्ट का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्दी सेफ्टी एनवायरनमेंट नहीं है अनसेफ है मकैनिकल फिजिकल हैजर्ड्स हैं मकैनिकल मीन वहाँ पे जो टेक्निकली अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मकैनिक्स पार्ट है प्लांट का मशीनरी का या इसके रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं और फिजिकल हैजर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल जो स्पेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं स्पेस ही कम है और मोस्ट प्राबली यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड स्पेसिफिकली उसके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है तो चांसेस है कि अगर वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो आप इंजर्ड हो सकते हैं फोर पॉइंट एक्सीडेंट्स टिपिकली एक्सीडेंट्स दैट रिजल्ट इन इंजरी आर काज बाई फॉलिंग आर बींग हिट बाई मूविंग ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनिटरी पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा गया है कि कोई चीज़ मूव करके आ रही है आपने इग्नोर किया उसको देखा नहीं जब आपने देखा नहीं उसको वो राइट साइड से थी या लेफ़्ट साइड से थी चांसेज ये है कि वो ऑब्जेक्ट आपको हिट कर सकता है जब वो आपको ऑब्जेक्ट हिट करेगा देयर इज़ वन सार्ट ऑफ इंजरी ओवर देयर और पांचवा पॉइंट है आपका इंजरी इट्सल्फ टिपिकल इंजरीज रिजल्टिंग फ्राम एक्सीडेंट्स इनकल्यूडेशर्स अब यहाँ पे ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इंजरीज बहुत ज़्यादा सवियर फॉर्म में हो जाती है तो वहाँ पे जो इम्प्लाइज है उसको फ्रैक्चर भी सम हो जाता है इसके लिए यू हैव टू गो फॉर सम सर्जरी एज वेल हैंड विच डोमिनो थी ऑफ एक्सीडेंट काजिशन का एक बहुत अहम ऑस्पेक्ट है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ इसका लिंक है उसमें पहला पॉइंट ये बयान किया गया है कि इंजरीज रिजल्ट फ्राम आ कम्पलीटेड सीरीज ऑफ फैक्टर्स वन ऑफ विच इज़ एक्सीडेंट इल्फ एक्सीडेंट्स होने की कई वजूहत हैं फॉर एक्जाम्पल आई एम डिलीवरिंग यू अलेक्चर अगर कोई चीज़ घिर के मेरे ऊपर लग जाती है तो इट इज़ वन सार्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड इट मे बी रिजल्ट ऑफ इंजरी अगर तमाम मैकेनिज्म को पहले से बयान करने से पहले या काम करने से पहले अच्छी तरह सेफ्टी मेजर देखे जाए तो चांसेस ऑफ इंजरीज विल बी लेस सेकंड पॉइंट है जी एन एक्सीडेंट कैन अकर ओनली एज द रिजल्ट ऑफ एन अनसेफ एक्ट बाय अ पर्सन आर अ फिजिकल मैकेनिकल मैकेजट जो पहले मैंने डिस्कस किया आपसे डी स्टूडेंट्स ये पॉइंट उसके रेलिवेंट है अगर ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल एनवायरमेंट सेफ्टी हेल्दी है हाइजेनिक वर्किंग एनवायरमेंट है तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर लेस मोस्ट एक्सीडेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द पीपल एज वेल बात एम्प्लॉय के बिहेवियर देखे गए हैं वो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड नहीं होता और ये देखा गया है कि जब किसी शख्स का केयरिंग एटीट्यूड नहीं है तो वहाँ पे ये भी चीज़ देखी गई है कि उसके रिजल्ट में कोई एक्सीडेंट वाक़ हो जाता है एन अनसेफ एक्ट इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आपकी अगर इंजरी हो जाती है तो उसके पीछे अनसेफ प्रैक्टिस है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस ओ पीज लिखे होते हैं डिस्प्ले होते हैं इम्प्लाई को शेयर किए जाते हैं कम्युनिकेट किए जाते हैं और इम्प्लाई को एजुकेट किया जाता है अगर इम्प्लाई को एजुकेट कर दिया जाए तो चांसेस है कि वो एक्टिविटीज़ वे में वे में अकर नहीं होगी जब वो चीज रिपीट नहीं होगी तो वहां पे बेहतरी के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दो विच आर नॉट प्रैक्टिसिंग दीज पर्टिकुलर प्रैक्टिस द रीजन वाई पीपल कमिट कैन सर्व एज हेल्पफुल गाइड इन सेलेक्टिंग कलेक्टिव एक्शन अनसेफ प्रैक्टिस को कन्वर्ट करें करेक्टिव एक्शन में फॉर एग्जाम्पल इफ साम कटेड फ्राम लाइ टू ट्रुथ ना ही स्पीक्स वो कन्वर्ट होगा तो वो बैड हैबिट से निकल के अच्छी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अनसेफ प्रैक्टिस है कि लोग चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे और अगर वो फॉलो करना शुरू कर दें तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे द स्वीलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इज लार्जली फॉर्चुअस एंड द एक्सीडेंट्स दैट काज इट इज लार्जली प्रिवेंटेबल एक्सीडेंट कोई भी हो उसको प्रिवेंटेबल वे में डील किया जा सकता है कोई भी एक्सीडेंट्स है चाहे वो बर्नआउट के रिलेटेड है हेल्थ के रिलेटेड है फिजिकल है केमिकल हैडियस है कोई भी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको बहुत केयर की जरूरत है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म का एक्सीडेंट होता है उसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाए ताकि वो दोबारा उस किस्म की एक्टिविटीज ना हो तो ऑटोमेटिकली ये चीजें प्रिवेंटेबल वे में डील की जा सकती हैं द बेस्ट एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक आर एनालॉग्स विद द बेस्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालॉग क्या है समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड यू हैव टू कंट्रोल इट इफ़ यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट यू हैव टू डू आल मैक्म पॉसिबिलिटीज कि वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने है और वो दोबारा उस तरह ना हो इसको हम लोग अनालग्स विद द बेस्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी टेक्निक बोलते हैं मैनेजमेंट शुड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी बिकॉज इट इज़ द बेस्ट पोजिशन टू गैट रिजल्ट सेफ्टी को ज़्यादा वेटज दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों ज़्यादा वेटज दी जाती है सेफ्टी इज़ द बेस्ट मेकानिज्मू कंट्रोल इंजरी और टू कंट्रोल एक्सीडेंट अगर सेफ्टी के रिलेटेड तमाम आस्पेक्ट को फॉलो किया जाए तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चांसिस बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स के कम हो जाते हैं द सुपरवाइजर इज द की पर्सन इन द प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इफ समन इज वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन देर इज समन हुए सुपरवाइजर वो जो सुपरवाइजर है वो सीनियर है वो मैनेजर है वो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन में है एंड ही हैज़ गॉन थ्रू फ्रॉम आर स्टेप्स इन हिज लाइफ वो पहले लोअर मैनेजमेंट में वो चीज़ें देख चुका है मिडिल मैनेजमेंट में वो सारे काम परफॉर्म कर चुका है अब वो टॉप मैनेजमेंट में है अगर सुपरवाइजर की बात को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स विल बी रेड्यूस इन एडिशन टू द डायरेक्ट कास्ट ऑफ एन एक्सीडेंट फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन लैबिलिटी क्लेम्स मेडिकल कास्ट एंड हॉस्पिटल एक्सपेंसिस देर आर आल्सो सम हिडन आर इनड कास्ट ये टेन पॉइंट है इसमें दो चीजें बयान की गई हैं डायरेक्ट कास्ट और इनड कास्ट डायरेक्ट कास्ट के अंदर हॉस्पिटल के एक्सपेंसिस हॉस्पिटल का बिल एम्प्लाई की कंपनसेशन ये वो एक्सपेंसिज हैं जो डायरेक्ट आपको पे करने पड़ेंगे और जो इनड हैं हिडन है ऑर्गेनाइजेशन एम एच बैड रिप्यूट जिसकी कैलकुलेशन मुश्किल है लेकिन इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट मार्केट में बहुत ख़राब हो जाएगी तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करके कास्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है ह्यूमन फैक्टर थेरी ऑफ एक्सीडेंट काजेशन में ओवरलोड इनप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ ह्यूमन एर फैक्टर इनप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स अगर आप देखें तो इट इज़ अ टू वे एस्पैक्ट इनप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ का लिंक है इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के साथ और इनके अगर देखा जाए तो ओवरलोड है जब इम्प्लॉज ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिकली उसके काम करने का अंदाज़ और उसके जो एग्जर्जन ऑफ बॉडी है वो ज्यादा होगी तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स विल बी मोर एज कम्पेयर टू अदर पीपल ह्यूमन फैक्टर्स थियोरी ऑफ एक्सीडेंट्स काजेशन फैक्टर थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट काजेशन एट्रीब्यूटेंट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स एक्सीडेंट्स इमिजिएटरी अकद नहीं होता उसके लिए चेन ऑफ इवेंट्स है लेकिन इसमें अगर देखा जाए इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री वर्क फैक्टर्स दैट लीड्स टू ह्यूमन एरर वर्क ओवरलोड इनप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड इनप्रोपरीट एक्टिविटीज इनप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और ओवरलोड इन तीनों चीज़ों की वजह से चांसेस है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है